हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज आर्ट कॉर्नर। तो थंबनेल लेके आपको पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले लिया है, रिजिन और हार्डनर को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा ही रिजिन और हार्डनर मिक्स कर लेना है क्योंकि वो जल्दी से ड्राई होता है, तो जितना चाहिए आपको उतना ही कट करके लें और उसी को मिक्स करके यहाँ पे इस तरीके का गोल मैंने यहाँ पे बना लिया है बेस। इसके बाद मैं यहाँ पे पेटल्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे लोटस बनाने वाली हूँ। इसे मैं स्पेशली दिवाली के दौरान पहनना चाहती थी, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा आपके साथ ये वीडियो शेयर करने में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो लोटस को बहुत से देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, जैसे कि गॉडेस लक्ष्मी। तो हम दिवाली में लक्ष्मी पूजन मनाते हैं तो उसी को समृद्धि, सुख और शांति की देवी माना जाता है, जो कि समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक है। और लॉर्ड विष्णु के भी अक्सर लोटस पर बिठाई दिखाई देते हैं, जो कि सृष्टि और समृद्धि के प्रतीक हैं। इसी तरह बुद्धिज़्म में लोटस को इनलाइटमेंट का प्रतीक माना जाता है। लोटस एक सुंदर और महत्वपूर्ण पौधा है जो न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाता है बल्कि इसके गहरे स्पिरिचुअल अर्थ और महत्व को भी दर्शाता है। आप कहोगे ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ। जब मैं ये बना रही थी तो मैंने इसके बारे में पढ़ा और लोटस का क्या महत्व है और लोटस के क्या फ़ायदे हैं, वो चाहे हिंदू धर्म में हो या बुद्धिज़्म में हो या कहीं कुछ और धर्म में भी हो, तो उसके बारे में मैंने बहुत कुछ जाना पढ़ा। चाइनीज़ कल्चर में भी लोटस को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है, ये मुझे पता चला। सिर्फ यही नहीं, आयुर्वेद में भी लोटस का महत्व है। इसका उपयोग कोई रोगन के इलाज में होता है। इसका बीज, पत्ते और रूट सभी का उपयोग होता है। लोटस का उपचारात्मक गुणों के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार की मुझे कई सारी जानकारियाँ लोटस के बारे में पता चली। कुछ मैं पहले से जानती थी, कुछ मुझे नया पता चला, जैसे कि इसका इस्तेमाल दिल के बीमारी से बचने के लिए भी किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है ये आप ढूंढिए, बट हाँ मुझे कुछ नया भी पता चला। तो मैं कई बार जो भी बनाती हूँ उसके बारे में बहुत सर्च करती हूँ, तो जब भी वक्त मिलता है सर्च करके मैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेती हूँ, ताकि आपको भी मैं कुछ इसी वीडियो के दौरान नॉलेज दे पाऊँ और ख़ुद भी नॉलेज हासिल कर पाऊँ। तो अभी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो पहली लेयर ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर सेकेंड लेयर कम्प्लीट कर लेनी है। तो आप देख रहे होंगे कि पहले वाले जो पेटल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं और उसके बाद जो पेटल्स सेकेंड लेयर वाले हैं वो उससे छोटे हैं। अभी मैं थर्ड लेयर यहाँ पे ले रही हूँ। तो इसे बनाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे पेटल्स मुझे बना रहे थे, तो क्योंकि इसके पेटल्स बहुत ज़्यादा छोटे थे तो मुझे इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। मतलब आप तो देख रहे होंगे इसे एक दो सेकेंड में, बट इसे बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और इसके बाद मैंने इसके बीच में एक छोटा सा एक सर्कल रखा और उसके ऊपर इस तरीके के स्पॉट्स देके मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब इसे ड्राई होने के लिए साइड में रख देंगे। तो इस तरीके के क्ले के छोटे सर्कल्स मैंने पहले से ही बना लिए थे, तो इससे हम इयररिंग्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे पेटल्स फिर से बनाए हैं जो कि हमने बीच में बड़े वाले लोटस में बनाए थे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। तो अगेन मुझे इसे बनाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एफर्ट्स लगे और पेशेंस भी लगे। तो इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ, पर आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं।
इसी तरह यहाँ पे हमारा ये बड़ा वाला लोटस और एक ईयरिंग्स रेडी हो चुके हैं। इसी तरह और एक मैं ईयरिंग्स बना लूँगी और ये हमारी दो ईयरिंग्स अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेस के लिए मैंने यहाँ पे वाइट एक्रिलिक पेंट पेंट किया है। तो आप ही आप डायरेक्ट इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आप इसे पहले वाइट पेंट से पेंट कर दीजिए ताकि आपके जो भी कलर है वो ज़्यादा ब्राइटन अप हो। तो जो भी कलर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डार्क शेड अप्लाई करेंगे और सेकेंड लेयर में हम थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करेंगे। मतलब जो भी हम कलर लेंगे उसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही वाइट मिक्स करना है और इस तरीके की पिंकिश शेड आपको बना लेनी है और उससे हम ये सेकेंड लेयर कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा सा वाइट मिक्स करके हम इसे बेबी पिंक की तरह कलर लाएंगे और इससे तीसरी लेयर भी कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग की है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसमें डार्क शेड है उसमें मैं थोड़ा सा लाइट शेड मिक्स कर रही हूँ और जिसमें थोड़ा सा लाइट शेड है उसमें मैं थोड़ा सा डार्क शेड भी मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से सभी जगह पे हम थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, मतलब मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा ये खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। मैंने ये दो इयररिंग्स भी उसी तरीके से कलर कर ली और इसके बाद मैंने यहाँ पे वार्निश अप्लाई करना था बट मेरे पास वार्निश नहीं था। तो इसकी वजह से मेरी तरह आप भी जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आती है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी सेम लुक देता है। तो यहाँ पे मैंने पर्ल्स लिए हैं और इससे हम मोती की माला बनाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप पर्ल्स जितने चाहे उतने ले सकते हैं। मैंने एक मोती की माला में 40 पर्ल्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पर्ल्स डाल सकते हैं। इसके बाद जो बड़ा वाला लोटस है उसकी बैक साइड में हमें ग्लू लगा लेना है। तो आप कौन सा भी ग्लू लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे B7000 वाला ग्लू यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मोतियों की माला कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टिक करनी है। तो यहाँ पे मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप ली है और उससे मैंने यहाँ पे सर्कल कट कर लिया है। अब ये सर्कल आपको इसके ऊपर इसी ग्लू से स्टिक कर देना है ताकि ये अच्छे से यहाँ पे स्टिक हो जाए और फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी मोतियों की माला गिरे नहीं। उसी तरह ईयरिंग्स के बैक साइड में भी ये सर्कल स्टिक कर लेना है और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा क्ले लगाया है। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं और एज इट इज़ इसे सिर्फ वैक्सिंग स्ट्रिप का सर्कल कट करके यहाँ पे स्टिक कर दीजिएगा, ये अच्छे से होल्ड हो जाएगा। एंड दैट्स इट, यहाँ पे हमारी ईयरिंग्स रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा नेकलेस और ईयरिंग्स दोनों ही रेडी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लाओ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी मैं न्यू वीडियो से रिलेटेड बहुत से अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।